नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। दोस्तों, आप में से ही कई लोगों की रिक्वेस्ट कई बार आई थी कोजिक एसिड की कोई अफोर्डेबल स्किन लाइटनिंग क्रीम बताओ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, कोई नुकसान ना करे लेकिन प्राइस कम हो। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। जिस स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे, उसमें कोजिक एसिड ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे अच्छे स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है और बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक उम्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मैन हो चाहे वुमेन हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रो ग्लो स्किन वाइटनिंग क्रीम की। ये 15 ग्राम की पैकेजिंग में आती है, 120 में आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट की। तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया गया है जो कि सदियों से चली आ रही है और स्किन लाइटनिंग के लिए या स्किन पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या एक्ने है ये उन सभी में काम करती है। इसमें सोया प्रोटीन है, कोजिक एसिड है, ये भी एक स्किन लाइटिंग इंग्रेडिएंट होता है जो मेलानिन को कम करता है। इसमें निकोटिनामाइड है जो कि आपकी स्किन पर जो होल हो गए, छोटे छोटे पिंपल्स क्यों जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट हेड्स हो रहे हैं या दाग धब्बे हैं उन्हें कम करता है। इसमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, ये भी एक स्किन लाइटिंग इंग्रेडिएंट ही है जो आपकी जो त्वचा का जो नेचुरल कलर है उसे कुछ टोन लाइट करता है। तो इसमें यही इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया। इसके अलावा इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसको दिन में आपको दो बार यूज़ करना है। आप मॉर्निंग में अपने फेस को वॉश करने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइट में सोने से पहले अपने चेहरे को धो लें और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर के अपने चेहरे पे लगा लें। इसका कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों। इसको आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं। ये कोई स्टेरॉइड क्रीम नहीं है, कोई केमिकल क्रीम नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।